अहम खबर के साथ ही पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी का मामला। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआईएफए के माबेन सियासी इतिहाद पर इतफाक। मरकज के लिए पावर शेयरिंग का दो नकाती फार्मूला तैयार कर लिया गया है। तीन साल और दो साल का मंसूबा तैयार किया गया है। इतिहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वजीर आजम तीन साल के लिए होगा, जबकि दूसरे मरहले में दो साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी के वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकातों में मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। यहां पर आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी का मामला है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआईएफए के माबेन सियासी इत्तेहाद इत्तफाक हुआ है इस पर, और मरकज के लिए पावर शेयरिंग का दो नकाती फार्मूला तैयार किया गया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि तीन साल और दो साल का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। तीन साल के लिए वजीर आजम एक पार्टी से होगा, जबकि दूसरे मरहले में दो साल के लिए दूसरी पार्टी से वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। रेट्स के लिए बताइएगा क्या कहेंगे आप इस पर। रजा मलिक, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, देखिए जो है अब हुकूमत साजी की तरफ बढ़ रही है सियासी जमातें, और इस हवाले से जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है उस पर जो है कुछ बुनियादी इत्तफाक हो चुका है, और इसको मजीद तय करने के हवाले से जो है वो तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज के इजलास हैं उस मामले को ले जाएंगी। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है बुनियादी तौर पर ये तय कर चुके हैं कि जो है वो मिलकर जो है हुकूमत साजी की जाएगी, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो एक बुनियादी पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो ये तय किया गया है कि तीन साल जो है वो पार्टी वजीर आजम का ओहदा लेगी जिसकी सीटें जो है वो ज्यादा हैं, और उसके बाद दो साल के लिए जो है वो दूसरी पार्टी जो आएगी। इस तरह से जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वजीर आजम है वो पहले तीन साल के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगले दो साल के हवाले से जो है ये एक फार्मूला जो है ये तय किया गया है। लेकिन तहम इसकी जो हतमी हैसियत है उसी का सामने आएगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मामला जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसके हवाले से कोई मजीद फैसला कर लेगी। जराई ये बता रहे थे कि दोनों पार्टियों ने इस हवाले से उनके दरमियान एक वाजे सूरत हाल मौजूद थी कि कोई भी पार्टी जो है वो काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून की काबीना का हिस्सा नहीं होगी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा तो नून की जो है वो उस काबीना में शामिल नहीं होगी। जिसके बाद से इस हवाले से मजीद पेशरफ्त हो रही थी, और इस पेशरफ्त के हवाले से जो है वो यही जायजा लिया गया कि एक फार्मूला जो है वो बनाया गया है जिसमें तीन साल और दो साल के हवाले से जो है वो बुनियादी तौर पर मामला तय किए गए हैं। इस हवाले से तीन साल के लिए उसी पार्टी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होगा जिसके पास कौमी असेंबली की नशस्तें ज्यादा हैं, जबकि इसी तरीके से जो है जो अगले दो साल हैं वो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी नशस्तें कम है, खतरे कम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नस्बत, तो इस हवाले से उनका वजीर आजम होगा, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक जो है वो वाजे यकीन दहानी कराई गई है कि मोहतरमा मरियम नवाज जो है अगर वो सूरत हाल में चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर उनकी हवाले से उनकी मामलत करेगी। इस हवाले से जो है वो एमक्यूएम और मौलाना फजल रहमान ग्रुप की तरफ से भी भरपूर तरीके से जो है वो मामलत का सिलसिला जारी है, और हुकूमत साजी की तरफ जो है वो पेशरफ्त की जा रही है। जी जी रजा मलिक, बताइएगा कि ये जो पावर शेयरिंग का फैसला सामने आया है अवाम के लिए कैसा साबित होगा? जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुल्क की सूरत हाल है, मुआशी तौर पर जो मसाइल हैं उसका सामना है, और इलेक्शन के बाद से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी जो है वो मंदी का रुझान जो है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से यकीनी तौर पर मईशत को मजबूत करने के हवाले से जो है वो फैसले दरकार होंगे, और इस हवाले से तो सूरत हाल बेहतर है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो अगर एक मुत्तफिका वजीर आजम ले आएंगी और उसको बाकायदा तौर पर जो है एक
अख्तियार होगा और उसके पास सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से मुल्की जो कौमी पॉलिसियां हैं उनको लेकर आगे बढ़ने के हवाले से, तो यकीनी तौर पर जो है उसके एक मस्बत असरात जो है वो सामने आएंगे। मईशत बेहतर होगी, रोजगार बेहतर होगा और जो इंतखाबी वादे किए गए हैं पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनको बेहतर तौर पर जो है वो सामने लाया जा सकेगा। जी जी, अभी साथ ही बताइएगा कि दीगर पार्टीज के रहनुमा जो हैं वो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो ये जो दो निकाती फार्मूला तैयार किया गया है राय के मुताबिक बताया जा रहा है, इस पर कब तक अमल होगा, कब तक ये हतमी फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा? जी देखिए, ये इस हवाले से जो है जैसे ही मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी तरफ से जो है कायदों की तरफ से एक जो स्पीच की गई थी तो उसमें उन्होंने हिदायत की थी, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनको हिदायत की गई थी कि वो तमाम जो हम ख्याल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हवाले से वो रब्ता करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता करें, MQM से रब्ता करें। इस हवाले से जो है और जो सिलसिले थे मुलाकातों के वो शुरू हो गए थे, उनके दरमियान बाहमी रबते थे। MQM के वक्त ने भी लाहौर में मुलाकात की, इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। और अब ये फार्मूला जो तय किया गया है यकीनी तौर पर इस हवाले से तमाम जो है वो ग्रुप्स जो है वो अपनी अपनी पार्टी में इस पावर शेयरिंग के हवाले से भी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस मुद्दे को, इस मामले को जो एक यकजहती होने जा रही है उस हवाले से उसको ले जाकर इस मुद्दत के हवाले से जो है फैसला किया जाएगा कि 3 साल और 2 साल का जो पावर शेयरिंग का जो फार्मूला बनाया गया इसकी तौसीह जो है वो तमाम पार्टियां अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से लेगी। और इस हवाले से जो CEC का इजलास है वो तलब किया गया है, उसको बुलाया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस फैसले के हवाले से जो है वो अपनी पार्टी में फैसला करेगी कि उसको इस हवाले से किस तरीके से आगे बढ़ना है, 3 साल के हवाले से आगे बढ़ना है, 2 साल के हवाले से आगे बढ़ना है, तो उसके बाद से जो है ये मामलात इसी तरीके से तय पाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रजा मलिक अपडेट कर रहे थे आप हमें। पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी का मामला है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, FAKE माबैन सियासी इतिहाद पर इतफाक हुआ है। मरकज के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार किया गया है, 3 साल और 2 साल का मनसूबा तैयार किया गया है। इतिहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा, दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी के वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकातों में मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला किया जाएगा। यहां पर आपको आगाह करने हैं, अहम खबर है, पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी का यह मामला है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, FAKE के माबैन सियासी इतिहाद पर इत्तफाक होगा। मरकज के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार किया गया है।